हाय चुड़ीको इन दंडक्ट नवा वीडियो रापे मन को एला दारो में द न्यू जुलन तक ना सल्पी इन द निंता इनम किडा ओ निपा बुनेल दइए इनता निमिन हुडिंग हुडिंग ओ मन अतन नेले पने निपा पुंडी पुंडी पने लमे तन तन बुनुम रे इना दो उ तने आंडो जाना ओका न्या गुते दे और बैक कैमरा ते न्यू दुबे पेतना हां जाना ओका गुआ कडा इन द निपा सल्पी न्यू जुलन तकिना ने एनेले पे। अरे सुबह सुबह ऐसे ही खेत तरफ गई थी मैं, वो लोग हल लगा रहे कि नहीं बोल के, वो कड़ान जो हो ना वो वाला कर रहा है कि नहीं बोल के, तो वही सोच के हम गए थे। तो वहां मुझे दिखा छत्तू, अब ले लिया मैंने छत्तू। और ये जो है ना, ये वाला छोटा छोटा छत्तू है और इसको खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्ट है ये वाला छत्तू का। तो मेरे को वहाँ दिख गया और मैं बिना खाए पिए, मतलब सुबह में बस दतुआन पकड़ के मैं चले गई थी और फिर उधर से मैं आई हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है? हो रहा है गाइस, आप लोग रुके मैं दिखाती हूँ। 1:43 हो रहा है और अभी हम यहाँ घर पहुँचे हैं। दतुवन करते करते मैं गई थी और अभी पहुँची हूँ। मेरे को बड़ी जोर भूख लग रहा है कि मेरे को कहीं पे कुछ, मतलब जैसे मैं घर आई ना तो मैं पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद मैं ये वाला भी सब्जी बनाऊंगी, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है ना कि इसमें थोड़ा पत्ता उत्ता लग जाता है, मतलब छोटे छोटे पत्ता सब देख सकते हैं, ऐसे वाला पत्ता, तो वो सबको निकाल रहे हैं। अभी हम ये वाला बनाएंगे छत्तू, देख सकते हैं किन किन को खाना है। आ जाइए हमारा गांव आ जाइए, फिर मतलब सबको एक साथ ढूंढेंगे छत्तू। नहीं, आप लोग आ जाइए मेरा घर और ये मैं खिलाऊंगी आप लोग को। इतना ज़्यादा छत्तू, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा। तो आइए आप लोग भी, और खूब सारा छत्तू उठाया मैंने, अच्छा लग रहा है। लेकिन पहले तो मेरा पेट में चूहा खुद रहा है। छत्तू के लिए सोचा ना, इतना लेट मैंने वहाँ पे बिना खा लिए, ये वाला छत्तू के लिए, क्योंकि अगर ये वाला टेस्टी नहीं होता ना तो हम उठाते नहीं। ये वाला टेस्ट लगता है बोल के हम इतना लेट बिना भूखे बिना खाए पिए हम वहाँ पे उठा रहे थे। हाँ, मस्त है ना, मस्त है ना। आ जाइए आप लोग भी, और तो ऊपर चढ़िया, ऊपर चढ़िया। मेरा नाक क्यों पिसते हैं बताइए ना, इधर देखिए इसको। हम क्या कब बुलाया बताइए ना, एक बोरा लाया था वहां, झूठ मत बोलिए। तभी ये वाला छत्तू बनाएंगे ना, लीजिए चलिए। अच्छा से साफ कीजिएगा, बता रही हूँ ऐसे ही, तब पका के खा लीजिए। हो गया नहीं, थोड़ा सा उसको अच्छे से साफ कीजिए, 2-3 बार धो लीजिए उसको, अच्छे से थोड़ा सा डुबा दो। उसके बाद जो उसमें जो हल्का हल्का जो मिट्टी रहता है ना वो गीला हो जाएगा और नीचे, हाँ थोड़ा देर से डुबा के छोड़ दीजिए पानी में, तो उसका जो मिट्टी सब नहीं होता छत्तू में, जो उसका ई में लगे रहता है ना डांटी टू में वाला, तो फिर नीचे गिर जाएगा ना मिट्टी, तो फिर उसके बाद उसको फिर 2-3 बार धो लीजिए। तब तक मैं आग जलाती हूँ, गैस तो नहीं है, गैस ख़त्म हो गया परसों को। अरे नहीं, चलाते नहीं ना गैस उतना, हम लोग खाली सब्जी वगैरह बनाने का होता है ना तभी हम लोग यूज़ करते हैं, अदरवाइज जैसे खाना वाना बनाने का रहता है ना तो हम लोग लकड़ी चूल्हा में पकाते हैं, तो कहाँ से गैस जल्दी थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। लाइट नहीं रहने से ना इसे करना पड़ता ना, मेरा दिमाग खराब होता है। मसाला का सब छिटका होता है। अच्छा ग्राइंडर है ना क्या? है जो। फिर क्या हुआ? खराब हुआ है वो छोटा वाला टुकड़ा जिसमें मसाला पीसते हैं ना, वो वाला तो खराब हुआ है। बड़ा वाला ठीक है और बीच वाला भी ठीक है, सबसे छुटकू वाला खराब है जो कि उसमें मसाला सब जल्दी गुंडा नहीं होता है। अच्छा चलो बना देंगे, कोई बात नहीं, तो भी हम पीस के दे रहे ना।
ये देखिए देसी मसाला, इसका स्वाद कुछ अलग ही है। अभी बनाएगा ये देखो, मशरूम बनाएंगे, मशरूम नहीं छत्तू, बालूई छत्तू। ये वाला मशरूम अभी धो लिए हैं, हम नहीं धोए हैं, बबलू धोया है। और अब इसको वही बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे, हमको नहाना है क्योंकि मेरे को बहुत जोर से भूख लग रहा है। मैं वहां से उठा के लाई हूँ, छत्तू छुन के लाई हूँ, अभी बनाने का काम आपका है, आप बनाइएगा और मैं खाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, बना देंगे, पूरा टेस्टी से बना दीजिए तो बता रही हूँ। हाँ टेस्टी होना चाहिए, जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसा होना चाहिए, बताइएगा। जिंदगी भर याद कीजिएगा इसे बनाएंगे, जिंदगी भर तो खिलाता, जिंदगी भर खिलाता ही रहिएगा, आप ही को पकवाएंगे ठीक है ना, जैसा मैं बनाती हूँ वैसा टेस्टी बनाना। अच्छा ठीक है, ये देखिए आग में खाली धुआं धुआं निकल रहा है, अरे आग में कढ़ाई चढ़ाया है, आग में बनाने का थोड़ा स्वाद अलग ही है, धुआं से मेरा आग तो जल रहा है। कहा कोपचा में बैठी एन इनका दा अपना चेन ये रे दा एन बाबा को एकदम दिपले गुड़ को मो दो चुवा सब को मो करता है जो गुड़ को मो आग को चिका ऐसे ही तुम भी बैठे हो चुवा जैसे होए तो वही हम तेल डाल दिया लेकिन आग लेकिन नहीं जल रहा थी। तो गाइस आप लोग को मैं बोल दे रही हूँ, जिसका घर में गैस है वैसे उस घर पे ही शादी करना, नहीं तो मेरा जैसे चूल्हा ही फूकना पड़ेगा। इतना जलता भी नहीं, खैर ये तो थोड़ा होने से जल रहा है ठीक है। जब बारिश करता है ना लकड़ी जब सूखे रहता है ये पूरा दर्द होने लग जाता है, इतना खाली फू फू करते करते ना ये सब पूरा दर्द। अरे यार कैसे बना रहे हो, पूरा जला दे रहे हो जैसे लग रहा है। बेस्ट नहीं बोलेंगे, कैसा लगता है बताओ लकड़ी चूल्हा में पकाना, अच्छा लगता है ना? हम तो इतना साल के बाद, कितना साल के बाद? 15 साल। आग तो क्या हो गया, देख ले देख ले कैसे हो गया, इतने कैसे हो गया? वो लकड़ी चूल्हा में फू फू फूकते 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 हालत खराब हो गया। लाइट नहीं है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, बाहर बारिश कर रहा है, खाली दांत दिखेगा, पर खाली दांत दिखेगा। और देख सकते हैं ये है लेमन एंड सोल्ड, आलू और करेला का भुजिया, ये है छत्तू जो अभी बनाया बबलू, और ये है चावल। तो अभी हम लोग खाते हैं, ये तो खाना शुरू भी कर दिया देख सकते हैं। हाँ। भूख लग रहा है ना दोनों को, ये कितना बजे आएगा? 11:30 में घर पहुंचा और हम थे, हम कितना बजे आए? 1:30 बजे आसपास घर आए हैं, छत्तू चुन रहे थे खेत तरफ गई थी ना इसीलिए। चलो ठीक है हम लोग, चलिए मैं खा लेती हूँ, मेरे को बड़ी जोर भूख लग रहा है ठीक है।